जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूँ, मिथिला विश्वविद्यालय के वैसे कैंडिडेट जो बीए बीएससी बीकॉम सत्र 2023 से 27 के हैं, सेमेस्टर वन के रिजल्ट में साइंस वाले का और कॉमर्स वाले का रिजल्ट आ चुका है, आर्ट वाले का रिजल्ट आना बाकी है। साइंस वाले और कॉमर्स वाले के रिजल्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा खराब है। स्टूडेंट इस तरह के रिजल्ट सोचे नहीं होंगे, क्योंकि देखते हैं जब पीडीएफ फाइल खोल करके तो पहले फेल से ही शुरुआत होता है, फेल 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 ऐसे शुरुआत होता है। और कुछ कुछ कॉलेज में 80% से 90% कैंडिडेट तो फेल ही हो चुके हैं। तो इस तरह के रिजल्ट जारी हुआ है और अधिकतर मात्रा में कैंडिडेट फेल है। विश्वविद्यालय के प्रशासन से बात करने पर पता यह चल रहा है कि बहुत से कैंडिडेट आंतरिक परीक्षा जो कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होता है उसमें शामिल नहीं हुए हैं, इस कारण से फेल है। तो उसके लिए जो आंतरिक परीक्षा की स्पेशल तिथि है जिसकी मांग हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो वो कब तक आएंगे और आप लोगों की क्या भागीदारी होनी है, आप लोग किस हिसाब से काम करेंगे ताकि आप लोगों को आंतरिक परीक्षा की स्पेशल तिथि भी दिया जाए और जो कैंडिडेट फेल हो चुके हैं उसे पास करने का एक मौका दिया जाए। और क्योंकि वो लिखे जरूर होंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से वो बनाए जरूर होंगे, तो इसलिए उसको पास करना जरूरी था, लेकिन फेल 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 इस प्रकार के देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या समाधान है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप खोले हैं, जिसमें एक एमएसयू के नाम से है और दूसरा जेएसीपी के नाम से है। तो दो व्हाट्सएप ग्रुप है और दोनों के छात्र नेता से बात किए हैं, चाहे एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना जी से हो या जेएसीपी के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी से। तो दोनों से बात किए हैं, दोनों का कहना है कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब है और कैंडिडेट अगर सपोर्ट करते हैं, आते हैं धरना प्रदर्शन में, तो उनका न्याय जो है वो जरूर मिलेगा। अब कहना है कि जिस भी कैंडिडेट का रिजल्ट खराब हुआ है, फेल हुए हैं या अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, एक जेएसीपी के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी के नाम या उनके संगठन के नाम ग्रुप है और दूसरा एमएसयू के संगठन का ग्रुप है। तो उसमें आप लोगों को दोनों में जुड़ना है ताकि जब एमएसयू के द्वारा छात्र हित में आंदोलन किया जाएगा तो एमएसयू में आप लोग शामिल होंगे। वहीं जब जेएसीपी के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा तो उसमें भी आप लोगों को शामिल होना है, जो जिस समय आंदोलन करेंगे, क्योंकि दोनों जो है छात्र हित के लिए ही करेंगे। तो आप लोगों को उस ग्रुप में जुड़ करके रहना है, अपना न्याय चाहिए। अब यह नहीं, इस नज़र से नहीं देखना है कि हम एमएसयू वाले में जाए और जेएसीपी वाले में नहीं जाए, या जेएसीपी वाले में जाए या एमएसयू वाले में नहीं जाए। आपको न्याय चाहिए, आपको इस संगठन से जो है न्याय चाहिए, तो वो सपोर्ट करने हैं तो आप लोगों को उनमें जुड़ना जरूर है। जहाँ से जितना सहयोग मिल सके उतना सहयोग आप लोगों को लेनी है ताकि आप लोगों के रिजल्ट जो है वो सही हो जाए। और आप जो है आर्ट वाले कैंडिडेट का रिजल्ट 2 से 3 दिन में जारी होगा, उसके बाद ही आंदोलन की तैयारी की जाएगी। तो तब तक आप लोगों को जुड़ जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। और रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा खराब है भाई। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आने वाले समय में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। अभी से ही आप लोगों को सेमेस्टर 2 के एग्जाम की तैयारी करते रहना है, चाहे आप सेमेस्टर 1 में फेल क्यों ने हो गए हैं, प्रमोटेड क्यों ने हो गए या पास ही क्यों ने है, आप लोग अपने सेमेस्टर 2 के एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि उनका भी एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।